नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची तय कर ली है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं, नए चेहरों को भी शामिल किया जा रहा। अभी करीब 50 नामों पर मुहर लग चुकी है। इसमें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लुगरमी से अरुण साव, साथ ही साथ धरसीवा से अर्जुन शर्मा, ऐसे ही तमाम नामों को तय किया गया है। वही रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो वही गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ के अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल जैसे तमाम नेता शिरकत किए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोमवार को भरोसा यात्रा निकालने वाली है। इसके साथ ही गांधी जयंती पर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहां जिलाध्यक्ष और दावेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। अंतिम पड़ाव में सभाएं होंगी। इसी के साथ ही इस दौरान कुल 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। कांग्रेस नेता और लोगों से मिलेंगे और सरकार की उपलब्धि बताएंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ता चर्चित योजनाओं के पोस्टर और पैम्पलेट भी बंटवाएंगे। बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश गणेश उत्सव समिति के आयोजकों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से मारते हुए नजर आ रहे हैं। मामला तोरबा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि आयोजकों ने कुछ लोगों को डीजे पर नाचने से मना किया था, जिसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस अब हमलावरों पर बलवा और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गणेश विसर्जन के दौरान शिवनाथ नदी घाट के पास एक युवक की हत्या करने वाले 9 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में 6 आरोपी नाबालिग हैं, वही 3 बालिग हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों का रविवार रात छावनी क्षेत्र में जुलूस निकाला और उनकी पिटाई भी की। आपको बता दें कि दुर्ग के ग्रीन चौक राहुल साहू पिता जयकरण साहू, जिनकी उम्र 21 साल की भिलाई से बताया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ लड़कों ने हत्या कर दी थी उनकी। उसके बाद हत्या पुलगांव थाना अंतर्गत शिवनाथ नदी घाट के पास गणेश विसर्जन के दौरान हुई। राहुल साहू ग्रीन चौक और भिलाई के आरोपी भिलाई से गणेश प्रतिमा लेकर विसर्जित करने गए हुए थे। वहीं पर चाय की दुकान में पैर में चाय गिरने से विवाद भड़क उठी और लड़कों ने राहुल को चाकू मार दिया। इससे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। साथ ही साथ अब पुलिस ने इसकी कार्रवाई कर ली है और बाकी तमाम जो भी वहां पर मौजूद थे, जो कि वहां पर बदमाश थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।